जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी की बात आती है तो हमें दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलती हैं, GDP विच मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GNP विच मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो GDP क्या होता है, ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो वीडियो देखने के लिए या तो इस लिंक पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। तो बेसिकली GNP क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये वो पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओन करते हैं, और ये वो पाकिस्तानीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किसी और मुल्क में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इन दोनों का इकोनॉमिक सम GNP कहलाता है। आमतौर पर लोग GDP और GNP को इक्वल मान लेते हैं। कंपेयर टू GNP, GDP किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक आउटपुट होता है जो कि उस मुल्क के अंदर क्रिएट होता है, भले वो फॉरेन ओनरशिप हो या वो डोमेस्टिक ओनरशिप हो। जबकि GNP सिर्फ सिटीजनशिप को देखती है, यानी कि दुनिया में प्रोडक्ट कहीं भी प्रोड्यूस हुआ हो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। अब GNP को मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं तो उस मुल्क का GDP एज कम्पेयर टू GNP ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आकर अपनी प्रोडक्शन सेटअप करती है तो पाकिस्तान का GDP बढ़ेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जाकर वहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है तो पाकिस्तान का GNP बढ़ेगा। अब GNP कैलकुलेट किस तरह किया जाता है? GNP इज अ सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट इनकम। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अज्यूम करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ इस तरह से है। कंजम्पशन 10 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट्स 7.5 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 करोड़ रुपए, इम्पोर्ट्स 5 करोड़ रुपए, एक्सपोर्ट्स 2.5 करोड़ रुपए, फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले पाकिस्तानीज की इनकम 15 करोड़ रुपए और पाकिस्तान में मौजूद फॉरेन कंपनीज की इनकम 5 करोड़ रुपए। तो इन सब वैल्यूज का सम कहलाएगा GNP। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में GNP कुछ इस तरह से लिखा जाता है, वैल्यू पर कैपिटा। पर कैपिटा इज अ लैटिन टर्म विच ट्रांसलेट्स इनटू पर पर्सन और पर हेड। अगर GDP और GNP में ज़्यादा कैप होगा तो ये इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में मुल्क के बाशिंदों की सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर इन दोनों का गैप कम होगा तो ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिकल आउटपुट विद इन द कंट्री ज़्यादा जनरेट होता है। पाकिस्तान के GDP और GNP की बात करते हैं तो 2019 में पाकिस्तान का GDP वॉज अबाउट $284 बिलियन एंड GNP वॉज अबाउट $331.63 बिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हमारे नेशनल ट्रेड से ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एक मुल्क का GNP कैसे काम करता है। अगर आपके जहन में मजीद कोई टॉपिक्स हैं तो लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा जाविया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।